असली पिक्चर की अभी शुरुआत हुई है, इसलिए बाबर को दोष देना मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा। टीम है जो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रही है, अफ्रीका सबसे दो डेंजरस टीम है। जब हिम्मत हौसला टूट जाता है ना टीम का, यानी कॉन्फिडेंस की बात है। मेरी नजर से तो इस वर्ल्ड कप के वो डार्क हॉर्स मैं कहूंगा। वर्ल्ड कप 2023 का कुमार सिर चढ़कर बोल रहा है, एक से एक बेहतरीन मैच देखने को मिल रहे हैं, कई सारे उलटफेर हुए हैं। अफगानिस्तान मैच जीत कर रहा है, नीदरलैंड्स ने उलटफेर किए हैं, भारतीय टीम बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही है, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान की हालत थोड़ी खराब दिख रही है। जी हाँ, यह वर्ल्ड कप बेहतरीन सफर वर्ल्ड कप का आगे बढ़ चला है और जिसमें सेमीफाइनल की तस्वीर लगभग साफ हो चली है। खासकर अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है उसके फैंस ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय टीम ट्रॉफी जीत कर ही मानेगी। इस क्रिकेट शो में मेरे साथ इस पूरे टूर्नामेंट के पर बातचीत करने के लिए द ग्रेट क्रिकेटर हमारे साथ हैं संदीप पाटिल। संदीप पाटिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मेरे साथ हैं दूसरे एक्सपर्ट इंग्लैंड के मोंटी पने सर। हम सब इन्हें बहुत बरसों खेलते हुए देखे हैं, अब एक्सपर्ट के रूप में अपने राय सामने रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसा कि हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में अभी कुछ एक बहुत चौंकाऊ प्रदर्शन देखने को मिले हैं, खासकर कि यदि हम कुछ टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने शुरू के दोनों मैच हार जाता है, इंग्लैंड अभी भी लौट के नहीं आ पाया है एक बेहतरीन सफर पर, या उसका सफर खराब चल रहा है। तो मैं एक एक रिव्यू करने की कोशिश करेंगे सर के साथ, संदीप सर के साथ। संदीप सर, अगर मैं टीम वाइज पूछूं तो पहला सवाल मेरा ऑस्ट्रेलिया को लेकर के होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरुआती दो मैच हारती है, उसके बाद जिस तरह से उसने बाउंस बैक किया है, लगातार चार मैच जीत लिए हैं और जिस अंदाज में जीते हैं, क्या ये माना जाए कि ऑस्ट्रेलिया अपने उसी लय में लौट आया है जिसके लिए जाना जाता है? जी बिल्कुल, मैच जीतने के लिए एक सेटल लुक होना बहुत जरूरी होता है और जो सेटल लुक नजर आ रहा है इस ऑस्ट्रेलिया टीम के हाल ही में जो प्रदर्शन देखे आप पहले दो मैच के बाद, और मैं तो समझता हूँ कि ये ट्रेलर चल रहा था, असली पिक्चर की अभी शुरुआत हुई है। तो जो टीम सही समय पे पिक करती है अपने आप को, जो खिलाड़ी सही समय पे अपने आप को पिक करता है, वो लंबा चलता है। और ये वर्ल्ड कप की जो टूर्नामेंट होती है ये लंबी टूर्नामेंट होती है, करीब 50 दिन की टूर्नामेंट होती है, इसलिए सही समय पे पिक होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने खुद को पिक किया है और सेटल लुक भी नजर आ रहा है। जी, और हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा कि जिस तरह से उसने बाउंस बैक किया है। एक खिलाड़ी का नाम मैं यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा, वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने आते ही धमाल मचाया, पहले ही मैच में सेंचुरी, क्या कहेंगे इससे कितनी मजबूती मिली ऑस्ट्रेलिया को? नहीं, किसी एक खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन से मजबूती नहीं मिलती है, ये पूरा 11 खिलाड़ियों का खेल है और जब साथ में खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो भी काम आपको दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है, अगर वो निभा सकते हैं आप, तो फिर अच्छा रिजल्ट भी ऐसे ही निकल आता है। मौका देना, मौके का फायदा उठाना, ये दूसरी बहुत अहम चीज होती है। हमने देखा पूरे इस विश्व कप में काफी ऐसे खिलाड़ी है जिनको मौका दिया गया और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जैसे आपने ट्रेविस हेड की भी बात। जैसा कि संदीप सर ने बताया कि किसी भी टूर्नामेंट में जब वो लंबा टूर्नामेंट होता है, 50 दिन का टूर्नामेंट होता है, तो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस में। ऑस्ट्रेलिया ने सही टाइम पे कमबैक किया है और किसी भी टीम के लिए बेहतरीन होता है कि वो राइट टाइम पे अपनी फॉर्म में आए। न्यूजीलैंड की टीम भी कुछ ऐसा ही खेल रही है, और लेकिन उसके परफॉर्मेंस हम देखें कि उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है शुरुआती चार मैचों के बाद। हालांकि उसने जो लास्ट मैच में खेला कि 388 को चेज करते हुए लास्ट ओवर तक गेम में रही, तो क्या उसके दो हार से उसे चिंता करनी चाहिए या अभी वो अच्छा खेल रही है? आई थिंक न्यूजीलैंड जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे, वो मौका था, यू नो, एक टीम जस्ट एकदम यू नो आउट हो सकती है बड़ी क्षति से, बट लास्ट गेम, लास्ट दो गेम बॉल के साथ वो गेम नीली जीत सकते थे न्यूजीलैंड। एंड आई थिंक वो सबसे ये और साउथ अफ्रीका सबसे दो डेंजरस टीम है, एंड ये वर्ल्ड कप में हम देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था और इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था, जो सब कॉन्टिनेंट टीम थी वो इतना अच्छा नहीं कर पाए बिकॉज कंडीशन नहीं फेवर किए, बट इंडिया में जब आए, सरप्राइजिंग बात तो ये है कोई सब कॉन्टिनेंट टीम तो अच्छी खेल रही नहीं इतना जितना हम उम्मीद थी। श्रीलंका ने अच्छा अभी खेला है इंग्लैंड के खिलाफ, पर पाकिस्तान भी देखो श्रीलंका के खिलाफ जो चेस किया उसके बाद, यू नो, साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ी अच्छी गेम थी, वेरी क्लोज बाइटिंग थी, बट अभी टेबल हम देखते हैं ना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड एक सब कॉन्टिनेंट टीम है, ये है इंडिया। सो बिकॉज जब ये पिचेस काफी फ्लैट है, न्यू रीलेड विकेट्स हैं, एंड उसी वजह से आई थिंक जो टीम
आउट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टीम है ना, वो ये कंडीशंस इंडिया में आके अडेप्ट सबसे बेहतरीन कर पाए हैं। जैसा कि आपने बताया कि श्रीलंका और जो इंग्लैंड का मैच है उसमें भी श्रीलंका ने अच्छा खेला, हालांकि सब कॉन्टिनेंट टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बदलना चाहूंगा, मैं इंग्लैंड की तरफ लाना चाहूंगा आपको, क्योंकि इंग्लैंड पर आपसे हमारी बातचीत लगातार होती रही है, और आपका और बाकी लोगों का भी मानना था कि अगर वो पहले बैटिंग करे तो कहीं ना कहीं उसके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह ऑल आउट हुई इंग्लैंड की टीम, उससे क्या कहेंगे? या तो मोरल डाउन हो चुका है इतना कि आप चाहे बाद में बैटिंग करें या पहले बैटिंग करें परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कहाँ लैक कर रही है इंग्लैंड की टीम? या आई थिंक जब हिम्मत हौसला टूट जाता है ना टीम का, यानी कॉन्फिडेंस की बात है, एक क्या होता है डिसीजन आप लेते हो एंड थोड़ा सेल्फ डाउट एंड यू नो कॉन्फिडेंस नहीं, आपके इनडिसीजन हो जाता है। ये आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ हुआ, यू नो इनडिसीजन था, अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग पहले करनी थी, अफगानिस्तान के खिलाफ एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बैटिंग पहले करनी थी जोस बटलर को, वो गेम जीत जाते हैं बड़े आराम से। सो ये दो जीत में पॉसिबली चांस था सेमीफाइनल में जाना, पर अभी वो गवा दिया। पर अभी भी समय है, यू नो जो भी पोटेंशियल है टीम की वो अभी दिखा सके वर्ल्ड कप में कितनी अच्छी कितनी बेहतरीन टीम है, क्या वर्ल्ड चैंपियंस किसी वजह से बने, क्यों क्या कारण था दैट ये टीम इतनी अच्छी है। एंड यही अंदाज से मुझको लगता है दैट इंग्लैंड को थोड़ा सेल्फ प्राइड जब मिल भी जावे ना, जब वर्ल्ड कप का खत्म हो, जो ग्रुप स्टेज की जब सब यू नो खत्म हो जाएंगे, सो ऐसी तरह से थोड़ा अच्छा यू नो गुड फील हो सकता है जब वापस जाएंगे घर। जैसा कि हम अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो एक टीम है जो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रही है, हालांकि उसका परफॉर्मेंस इस बार उम्मीद के अनुरूप चल रहा है। संदीप सर, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीकन टीम की, कि उससे एक्सपेक्टेशन तो खूब होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि बहुत अच्छा खेलते रहते हैं, बहुत अच्छा खेलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक लास्ट मौके पर अहम मौके पर वो चूक जाते हैं। इस बार साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रहा और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा, क्या कहेंगे? जी, शायद जो बात आप कह रहे हैं और जो हमारे जहन में है और जो प्रदर्शन रहा है आज तक जितने सारे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका टीम ने खेले हैं, और एक चोकर्स का जो नाम उनके पीछे लगा है, डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो चोकर्स के नाम को हटाए और कोशिश करे वर्ल्ड कप जीतने की, और सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही समय पे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मेरी नज़र से तो इस वर्ल्ड कप के वो डार्क हॉर्स मैं कहूँगा, आज के तारीख में वो नंबर वन पायदान पे है, और यही उनका अगर प्रदर्शन जारी रहा तो मुश्किल रहेगा उनको हराना। जी, हमने देखा कि नीदरलैंड्स ने भी उलटफेर जरूर किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने तुरंत बाउंस बैक किया, क्योंकि जब लग रहा था कि क्या ऐसा फिर से वही चोकर्स वाली स्थिति बनेगी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया साउथ अफ्रीका ने। नहीं, क्रिकेट खेल की यही तो मजा है, यू नो कब कैसे बारी पलट जाती है, यू नो पांच ओवर में हम देखते हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, और इस वर्ल्ड कप में काफी अपसेट भी हमने देखे हैं, और जो अच्छी टीम होती है जिनके पास विश्वास जबरदस्त होता है वो बाउंस बैक कर सकती है, और हमने देखा भी है कई टीमें ऐसी है जिन्होंने बाउंस बैक किया है। ऑस्ट्रेलिया के हमने जिक्र किया, न्यूजीलैंड पहले अच्छी शुरुआत की थी, बाद में दो मैच वो हार गई है, हार जीत का तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अभी ये जो आखिरी समय अभी आधा टूर्नामेंट हो गया है, और जैसे पहले ही मैंने कहा कि असली पिक्चर अब शुरू हुई है, और इस पिक्चर में अच्छा प्रदर्शन करना हर टीम के लिए बहुत मायने रखेगा। जी, इसके साथ ही जब हम बात कर रहे हैं उलट फेर की, तो एक सवाल है, हालांकि अभी ये टीम वेस्ट इंडीज नहीं है इस टीम में, जिसकी हमको मिस कर रहे हैं हम, लेकिन एक बात है कि जो टीम वेस्ट इंडीज की जगह खेलने आई है, कह सकते हैं क्योंकि क्वालिफायर में नीदरलैंड्स ने सबको हराया, जगह बनाई अपनी, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस दी है उसने, साउथ अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश को हराया, तो कह सकते हैं कि क्रिकेट का दायरा भी बढ़ रहा है, और ये कहने की बात नहीं है कि कौन सी टीम नहीं है, जो टीम आई है बहुत दमदारी से खेली है। बिल्कुल, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और वर्ल्ड क्रिकेट जो आईसीसी हमारी बॉडी है वो भी यही चाहती है कि जिनको मौका दिया है और मौका नहीं मिला है वो जीत के यहाँ इस वर्ल्ड कप में आए हैं, उन्होंने वेस्टइंडीज जैसे टीम को हराया है, तो ये कहना गलत होगा कि वो उनको मौका दिया है, उन्होंने अपने प्रदर्शन के बलबूते पर वो यहाँ है, और यहाँ सिर्फ आए नहीं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है, जैसे कि दो मैच उनके लिए तो बहुत बढ़िया वर्ल्ड कप रहा है, और हम चाहते भी हैं कि इसके बाद भी जो आने वाला समय है इसमें भी वो कुछ बातें सीखे, कुछ चीजें सीखे इस वर्ल्ड कप से, और इससे अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करे। जी, बात हुई नीदरलैंड की, नीदरलैंड के साथ ही एक और टीम है जो जिसे हम अक्सर
दुनिया या हम क्रिकेट प्रेमी मानते हैं कि चूंकि नई टीम है उन्हें कमजोर टीमों में शामिल किया जाता है, वो है अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स दोनों ही बहुत दमदार तरीके से पेश आए हैं इस वर्ल्ड कप में, और कह सकते हैं मोटी सर कि कम से कम इस वर्ल्ड कप में ये नहीं लग रहा कोई टीम कमजोर है। नहीं, कोई टीम अभी कमजोर तो नहीं है, एंड ये सरप्राइज काफी सरप्राइजिंग था। यू नो नेदरलैंड्स देखो कितना अच्छा क्रिकेट अभी खेला है, एंड वो भी बांग्लादेश के खिलाफ, कोलकाता का पिच था, एंड वो जैसे बांग्लादेश में खेलते हैं वो पिच काफ़ी सूट करता था बांग्लादेश को। बट नेदरलैंड्स ने हिम्मत, हौसला, जो हिम्मत होती है ना, वो उस समय में वो टीम यू नो काफ़ी अच्छी तरह से खेल पाए। एंड अच्छी बात तो, वेल इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जब इंडिया साउथ अफ्रीका का गेम कोलकाता में होएगा, हम तो ये देखेंगे अंडर द लाइट्स, बिकॉज बॉल ज़्यादा सीम हो रही है, दैट इंडिया जब टॉस जीतेंगे पहले बैटिंग करेंगे, बिकॉज जैसे फॉर्म में मोहम्मद सिराज और शमी में अभी हैं, दैट मे बी अंडर द लाइट्स ये ज़्यादा एक्सपोज कर पाएंगे कंडीशंस को, जैसे नेदरलैंड सीमर्स ने किया बांग्लादेश के खिलाफ। ये तो हुई टीमों की बात, कुछ कैप्टन्स की भी बात कर लेते हैं जो इस वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस के बाद एक तरह से आलोचना के दायरे में हैं, खास करके बाबर आजम। बाबर आजम की टीम खराब तो कर ही रही है, लेकिन उससे टीम से ज्यादा आलोचना कप्तान की हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है? कैप्टनशिप की कमी लगती है आपको? देखिए, क्रिकेट खेल की जब से शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक, जब भी टीम अच्छी करती है तो हीरो बन जाता है कप्तान और कोच, और जब टीम को हार का सामना झेलना पड़ता है या करना पड़ता है तो सबसे पहली उंगली उठती है वो कप्तान और कोच के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं कि बाबर ने कप्तानी अच्छी नहीं की है, बाबर ने जो टीम यू नो खिलाई, हर खिलाड़ी का ये एक जिम्मेदारी थी कि वो अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन वो करने में नाकाम रहे, इसलिए बाबर को दोष देना मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा। बटलर की भी बात करें, बटलर भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, ऐसे सिर्फ एक ही कप्तान नहीं है, ऐसे दो तीन कप्तान हैं इस वर्ल्ड कप में हमने देखे हैं, क्योंकि ये खेल जो है 11 खिलाड़ियों का खेल है। कप्तान तो निर्णय लेता है, लेकिन उस निर्णय को सही साबित करने वाले उसके 10 अलग खिलाड़ी होते हैं, और वही बात पाकिस्तान के बारे में नहीं हुई है इस वर्ल्ड कप में। इसका ये कहना गलत होगा कि बाबर फेल हुआ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम फेल हुई है, इंग्लैंड की टीम फेल हुई है। कि आज के इस शो में बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मोंटी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।